ये सुरूपा जी, बात करें कि सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन में क्या करके चलना सही रहेगा? क्योंकि देख रहे हैं कि अमेरिका में तो सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान जता दिया गया है। वहाँ पर दिसंबर 2021 में क्रशिंग के, पेराई के जो आंकड़े आए हैं वो भी ठीक ठाक आए हैं कि वहाँ पर पेराई बढ़ी है, और अब आगे ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखी जाएगी। लेकिन वहीं से नज़र डालें अगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना की तरफ, तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में उत्पादन घटने की पूरी पूरी आशंका है, और जो वैश्विक उत्पादन है सोयाबीन का वो भी कम ही रहने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है विदेशों में सोयाबीन में जो उत्पादन कम रह सकता है उसका असर भारतीय बाजार पर कितना रहेगा? देखिए, अभी उत्पादन जो है नो डाउट फंडामेंटल जो है विदेशी बाजार में वो काफी एक्सपेक्टेड है कि जो है वो फेवरेबल हो सकते हैं और उससे कीमतों में एक तेजी बन सकती है। लेकिन अभी डोमेस्टिक मार्केट जो है को देखा जाए तो उसके हिसाब पर अभी बाजारों में थोड़ा सा नेगेटिव ही ट्रेंड है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा मार्केट उठते हुए दिखाई दे सकते हैं। फर्दर आगे चलकर तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी,